आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। हमारे साथ मौजूद हैं अग्रवाल निष्काम सेवा केंद्र के संरक्षक संजय गोयल और मृदुल खेमका जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अग्रवाल निष्काम सेवा केंद्र की ओर से 22 अक्टूबर को 16वां परिचय सम्मेलन हो रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि ये 16वां परिचय सम्मेलन जो किया जा रहा है? अग्रवाल निष्काम सेवा केंद्र पिछले 16 साल से अग्रवाल परिवार के बच्चे और बच्चियों के लिए कड़ी मेहनत करके उनके बायोडाटा इकट्ठा करके एक बुक छापता है। पिछले साल भी हमने तालकोटा स्टेडियम में परिचय सम्मेलन किया था, जिसमें करीब 250 से 300 रिश्ते हुए थे, जैसी कन्फर्मेशन हमें प्राप्त हुई। उसी के बेस पर इस साल भी और अधिक उत्साह के साथ में यह परिचय सम्मेलन तालकोटा स्टेडियम में 22 तारीख को 22 अक्टूबर के दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होगा। इसका मुख्य उद्देश्य अग्रवाल समाज के बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे रिश्ते प्रोवाइड करना है। जिस आजकल कोई भी रिश्तेदार या कोई सगा संबंधी रिश्ते बताने में हिच महसूस करता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की एज क्रॉस करती जा रही है, जो कई बार 30+ भी हो जाते हैं, तो अग्रवाल निष्काम सेवा केंद्र इस विषय में इम्प्रूवमेंट चाहते हुए ऐसी कोशिश कर रहा है कि बच्चे की शादी सही उम्र में हो सके। सर, आपने जैसे कहा कि बच्चों की शादी सही उम्र में हो सके, आपके मुताबिक बच्चों की शादी जो है सही उम्र में हो सके, तो सही उम्र क्या है बच्चों की? और ये संस्था है जो ये कितनी उम्र तक के बच्चों की शादियां करवाता है? देखिए, संस्था उम्र पे ना ध्यान देके, कि आजकल वैसे ही बहुत लेट हो रही हैं, जल्दी शादियाँ तो होती नहीं हैं। हम ऐसा मानते हैं कि लड़की की शादी 22 से 25 साल की उम्र में और लड़कों की शादी 25 से 28 साल की उम्र तक हो जाए, जिससे वो बच्चे परिवार में एडजस्ट हो सकें। जब ये एज क्रॉस होती है तो वो मैच्योरिटी लेवल इतना आ जाता है कि परिवार में एडजस्टमेंट में बड़ी प्रॉब्लम आती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी एज में शादी नहीं करनी चाहिए। शादी एक ऐसा विषय है जो जब हम इस दुनिया में आए हैं तो वो भी एक ज़रूरी है, हमने करनी ही है। बट सही उम्र में करके हम अपना जीवन पूरे जितना जब तक रहें अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। बात करते हैं मृदुल खेमका जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर ने कहा अभी सही उम्र में शादी होनी चाहिए बच्चों की। हाँ बिल्कुल, सही उम्र में होनी चाहिए। अब जैसे जैसे एजुकेशन का प्रसार बढ़ रहा है, बच्चे ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से कैरियर बनाने के लिए उन लोगों ने अपनी शादी जो है पोस्टपोन करके लेट हो रही है। और जैसे जैसे ज़्यादा उम्र हो जाती है फिर सही रिश्ते मिलने में दिक्कत आती है। और हमारा यही प्रयास है कि इसके अंदर एक सभी बच्चों को जो मैरिजेबल एज के एक मंच पे लाके वहाँ पे एक दूसरे से परिचय हो, जानकारी हो, जो जिसको सूट करे, ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर। और इसीलिए हमारा ये रहता है प्रयास कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे बेनिफिटेड हों। जो पेरेंट्स जो हैं वो भी टेंशन में रहते हैं, उनकी टेंशन भी दूर हो। जिन बच्चों के मैरिजेबल एज हो जाती है और उनकी शादी नहीं होती, तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। तो यही हमारा प्रयास है। इसी के अंतर्गत हम 22 तारीख को एक सब लोग निस्वार्थ भाव से इस काम में लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत लोगों को इसका फिर जो है फ़ायदा मिलेगा। समाज के अंदर बहुत बड़ा फ़ायदा इसका होना चाहिए। सर ये बताइए कि ये 16 परिचय सम्मेलन जैसा कि बताया आपने, तो इस परिचय सम्मेलन से अभी तक कितनी शादियाँ लगभग हो चुकी हैं? क्या इसका कोई अच्छा रिजल्ट अब तक सबसे ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है? बहुत अच्छे रिजल्ट पिछले 15 सालों के अंदर अचीव हुए हैं। और जहाँ तक इस साल की बात है, इस साल तो अभी परिचय सम्मेलन होगा, उसके बाद में इसके रिजल्ट सामने आएंगे। बट जैसी हमें उम्मीद है, जिस तरह से लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराए हैं, हमें बहुत अच्छी उम्मीद है कि इस परिचय सम्मेलन से भी बहुत अच्छी मात्रा में रिश्ते होंगे। सर आप क्या कहेंगे अग्रवाल निष्काम सेवा केंद्र के बारे में, ये संस्था कब से है, कितनी पुरानी है और आप कब से इस संस्था से जुड़े हैं? ये संस्था लगभग 16-17 वर्ष पुरानी है। इसके संस्थापक स्वर्गीय जसवंत राय जी बिरीवाल थे, जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर बहुत सामाजिक कार्य किए हैं, जो कि त्रिनगर में रहते थे उस टाइम पर। और उस वक्त उन्होंने एक बड़े छोटे रूप से शुरू किया था, जो कि आज ये एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। और आज इस संस्था को देखने के लिए उनकी जो पुत्रवधु हैं पूजा गोयल जी, जो कि संस्था के अध्यक्ष भी हैं, और उनके पति हैं विमल गोयल जी, जो कि उनका निरंतर सहयोग करते हैं, और हम भी उनके साथ इस संस्था के साथ अभी जुड़े हैं।
पर इसका जो सोशल कॉज और जो चीज़ें मेरे को समझ में आई तो ये लगा कि ये जो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसके अंदर हर अग्रवाल परिवार की कोई ना कोई ज़रूर से भागीदारी होनी चाहिए, उसी नाते हम लोग इसके साथ में जुड़े हैं। सर, आप कब से जुड़े हैं संस्था में और आपको क्या विचार आया कि आपको इस संस्था से जुड़ना है? मैं इस संस्था से करीब पिछले 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले इस संस्था ने, हमारी रामलीला होती है वहाँ पर एक परिचय सम्मेलन किया था, उसमें देखने के बाद में जब मुझे महसूस हुआ कि ये वाकई में समाज के लिए सेवा का कार्य है, उसके बाद मैं इस संस्था के साथ जुड़ा। और पिछले परिचय सम्मेलन में मैंने जितनी चीज़ें देखी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये कार्य हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इस कार्य में, हम जैसे लोग बिजनेसमैन कम्युनिटी के जो हैं वो आगे नहीं आएंगे तो लोगों का भला होना मुश्किल होगा। तो मैं बाकी सबसे भी निवेदन ये करूँगा कि आप ऐसे कार्यों के साथ जुड़ें जिससे कि हम अग्रवाल समाज का भला कर सकें। सर, ये अग्रवाल निष्काम सेवा केंद्र है, परिचय सम्मेलन के अलावा और भी कोई सामाजिक कार्य करती है? अग्रवाल निष्काम सेवा केंद्र में तो हम मेन परिचय सम्मेलन करते हैं, बट इसके अलावा विमल जी एक दूसरी संस्था भी चलाते हैं जिसको अन्न उत्सव परिवार का नाम दिया गया है, जिसके अंदर हम जगह जगह धार्मिक स्थल पे, हॉस्पिटल के बाहर या जहाँ पर भी ज़रूरत हो वहाँ सेवा प्रोवाइड करते हैं। किस तरह की सेवा सर? इसके अंदर जैसे पीछे हमने कालका जी मंदिर हुआ, झंडेवरान मंदिर हुआ, वैष्णो देवी मंदिर हुआ, बालाजी मंदिर हुआ, हर जगह भंडारे लगाए हैं। उसके अलावा यदि कहीं पर किसी भी वृद्धाश्रम हुआ, जैसे अपना घर हुआ बूढ़पुर में, वहाँ पर भी पीछे 2 TV की सहायता दी गई। जहाँ पर भी संस्था के पास में कोई चीज़ पता चलती है कि भाई यहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जिससे वहाँ पर रहने वाले लोगों का भला हो सकता है, तो ये संस्था आगे बढ़कर उन कार्यों को पूरा करती है। ये थे हमारे साथ संजय गोयल और मुरदिल खेमकाजी, जिन्होंने हमें बताया कि अग्रवाल निष्काम सेवा केंद्र पिछले 16 सालों से कार्यरत हैं और आगे आने वाले 22 अक्टूबर को ये एक परिचय सम्मेलन करवाने जा रही है। देखते रहिए दिल्ली टॉक्स। नमस्कार।